हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज, आज भी हम AEW के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें जेफ हार्डी AEW के अंदर नहीं लौटते हुए दिखाई देने वाले, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि साल AEW का ग्रैंड स्लैम शो कब होने वाला है, MJF और एडम कोल की स्टोरी लाइन तो किसी अलग लेवल पर चल रही है, और हम जानने वाले हैं कि क्या हमें केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इनके बीच में एक रीमैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस साल होने वाले AEW के ग्रैंड स्लैम की और जानते हैं कि इस साल के ग्रैंड स्लैम शो की डेट क्या होने वाली है। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि AEW का सबसे बड़ा टीवी शो AEW ग्रैंड स्लैम होता है, जिस शो पर करीब करीब 25,000 फैंस आते हैं और ये शो भी AEW की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड शोज में से एक होता है, जहां पर बड़े बड़े मैचेस और टाइटल चेंजेस भी होते हैं। और मैं पिछले 2 सालों से AEW का ग्रैंड स्लैम शो ऑथराइज स्टेडियम के अंदर देखने को मिल रहा है और इस साल भी AEW ने अपने 3rd कंसेक्यूटिव ग्रैंड स्लैम शो की डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। और हाल फिलहाल में AEW ने अपने तरफ से अनाउंस करते हुए बताया कि साल का डायनामाइट ग्रैंड स्लैम शो हमें ऑथराइज स्टेडियम से सितंबर 20 को देखने को मिलने वाला है। जो चीज हाल ही में AEW ने अनाउंस कर दी है कि इस साल का ग्रैंड स्लैम शो सितंबर 20 को होगा, जो कि ऑल इन और ऑल आउट पेपरव्यू के बाद होने वाला है। इसलिए गाइस, यहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि ऑल इन और ऑल आउट पेपरव्यू के बाद ग्रैंड स्लैम शो पर कौन सी बड़ी बड़ी चीजें होती है, क्योंकि उस शो पर भी AEW को कमाल करना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि MJF और एडम कोल की स्टोरी कैसे काफी जबरदस्त स्टोरी चल रही है। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि MJF और एडम कोल हमें आने वाले डायनामाइट शोज के ऊपर एक ब्लाइंड टैग टीम टूर्नामेंट के अंदर एज अ पार्टनर्स काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं और इसीलिए MJF एडम कोल के साथ और भी ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टहलने के लिए भी गए थे। लेकिन इसके साथ ही MJF ने हाल फिलहाल में ऐसा कुछ कर दिया है जो देखकर लग रहा है कि MJF अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि गाइज, आपको तो पता ही होगा कि एडम कोल एक रेसलर के साथ साथ एक ट्विच स्ट्रीमर भी है, जो कि ट्विच के ऊपर स्ट्रीम करते हुए काफी सारे गेम्स खेलते हैं। और गाइज, एडम कोल की ट्विच कम्युनिटी उनके लिए उतनी प्यारी है जितनी उनके लिए रेसलिंग है, और वो ज्यादा वीडियो गेम्स और रेसलिंग को मिक्स नहीं करते। पर MJF ने ऐसा कर दिया है क्योंकि हाल फिलहाल में जब एडम कोल अपने ट्विच के ऊपर स्ट्रीम कर रहे थे तो गाइज, सरप्राइजिंगली वहां पर किसी और ने नहीं बल्कि MJF ने एडम कोल की ट्विच स्ट्रीम ज्वाइन की। और यहां पर MJF एडम कोल से रेसलिंग के बारे में सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि उनके टैग टीम का क्या नाम होना चाहिए और उनके टैग टीम फिनिशर का नाम क्या होना चाहिए। I'm streaming right now. Yeah, and I don't really like, I keep wrestling and streaming separate. So okay. Yeah. Dude, totally respect that. But anyway, so I want to maybe do some case study of wrestling together. I think that'd be a really good idea. And also, I have a couple ideas for like Eddie. Yeah. You know? Max, remember we talked about boundaries, dude? जो सब बातें यहाँ पर MJF एडम कोल की ट्विच स्ट्रीम के अंदर घुसकर कर रहे थे, जो देखकर एडम कोल तो काफी नाराज थे, क्योंकि पहली बार तो एडम कोल रेसलिंग और गेमिंग को एक साथ नहीं लाते। लेकिन फिर भी यहाँ पर MJF एडम कोल के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर उन्हें अनॉय करते हुए ये सब चीजें कर रहे थे, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि MJF अपनी रेसलिंग स्टोरी को एडम कोल की ट्विच तक ले जाएंगे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस, सच में देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये दोनों टैग टीम के अंदर काम करते हैं तो उनकी टीम कितना कमाल कर पाती है। लेकिन गाइस, फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें जेफ हार्डी AEW के अंदर नहीं लौटते हुए दिखाई देने वाले। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि मैं लास्ट टाइम जेफ हार्डी डायनामाइट शो के ऊपर द गन्स के खिलाफ एक टैग टीम मैच रेसल करते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर बुलेट क्लब गोल्ड ने आकर जेफ हार्डी पर अटैक कर दिया था, जिसके चलते जेफ हार्डी अपना मैच हार गए और उसके बाद से हमें अब तक जेफ हार्डी AEW के टेलीविजन पर नहीं देखने को मिल रहे। और देखने में लग रहा है कि जेफ हार्डी AEW से दोबारा से गायब होने वाले हैं। और गाइज, इस बार इसलिए नहीं क्योंकि जेफ हार्डी ने फिर एक बार कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करने का केस कर दिया है, बल्कि इस बार इसलिए क्योंकि जेफ हार्डी ने लॉस को काफी बार ब्रेक किया है। क्योंकि गाइज, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से फॉरबिडन डोर पेपरी हुआ है, तब से लेकर अगले कई हफ्तों के लिए AEW अपने सभी शोज कनाडा के अंदर करने वाली है, यानी कि AEW एक तरीके से कनाडा की टूर कर रही है। और जेफ हार्डी रहते यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काफी बार लॉ ब्रेक किया है, इसलिए जेफ हार्डी को कनाडा का वीजा नहीं मिला, जिसके चलते जेफ हार्डी कनाडा के अंदर नहीं जा सकते। इसलिए जेफ हार्डी आने वाली कई डायनामाइट और कोलिजन शोज मिस करने वाले थे और इसलिए एक तरीके से जेफ हार्डी को टीवी से राइट ऑफ करने के लिए AEW ने उनके लास्ट मैच के अंदर उन पर अटैक करवाया था।
तो देखते हैं कि अब AEW दोबारा से कैनेडा के अंदर कब आती है और जेफ हार्डी दोबारा से शोज के ऊपर फीचर कब हो पाते हैं। पर गाइस लग रहा है कि आज अगर जेफ हार्डी ने लॉस ब्रेक नहीं किए होते तो वो हमें कंटिन्यूअसली टीवी शोज पर देखने को मिलते, पर देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले और सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा इनके बीच में एक रीमैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा ये दोनों ही सदी के सबसे जबरदस्त रेसलर्स में से एक है और गाइज इन दोनों ने साल की शुरुआत से लेकर अब तक दो बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं, जहां पर इनका पहला मैच न्यू जापान प्रो रेसलिंग एंड रसल किंगडम पर हुआ था जहां पर ओमेगा ने ऑस्प्रे को हरा दिया था और इनका दूसरा मैच फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर हुआ था जहां पर ऑस्प्रे ने ओमेगा को हरा दिया था और वो भी ओमेगा के घर के अंदर। और हाँ, इस मैच से रिलेटेड अपडेट्स बताते हुए मैंने आपको बताया था कि इस मैच को मिली है पूरी की पूरी 6 स्टार की रेटिंग और इस रेटिंग के साथ ही विल ऑस्प्रे ने यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है और विल ऑस्प्रे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन चुके हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने फिर एक बार एक 5 स्टार प्लस मैच देकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम पर किया है। और गाइज हाल फिलहाल में विल ऑस्प्रे रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज रेडर की तरफ से सबसे ज्यादा 5 स्टार मैचेस देने वाले रेसलर बन चुके हैं, जहाँ पर ऑस्प्रे ने आज तक अपने करियर के अंदर करीब करीब 26 5 स्टार मैचेस दिए हैं, जो आज तक किसी भी रेसलर की तरफ से सबसे ज्यादा है, जिस रिकॉर्ड के साथ ही हम गारंटीड कह सकते हैं कि विल ऑस्प्रे फाइनली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन चुके हैं। पर अगर आप सोच रहे हैं कि ओमेगा या फिर ओकाडा के कितने 5 स्टार मैचेस है, तो स्टैट में आपको हमारे चैनल की वेबसाइट पर बता दूंगा। पर गाइज इतने स्टैट्स बताने के बावजूद भी अगर आपने केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे का फॉरबिडन डोर का मैच नहीं देखा तो जाइए जल्द से जल्द हमारे चैनल की एलीट प्लस मेंबरशिप ज्वाइन कर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे का पूरा मैच चेकआउट करना मत भूलना। और ये मैच सिर्फ हमारे एलीट प्लस मेंबर्स के लिए है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्दी हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर ये पूरा का पूरा मैच चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन गाइज जहां तक बात है ओमेगा और ऑस्प्रे के रीमैच की, तो इस पर बात करते हुए जब ऑस्प्रे से पूछा गया कि क्या ऑस्प्रे ओमेगा के खिलाफ एक रीमैच चाहते या नहीं, तो यहां पर इस सवाल का जवाब देते हुए ऑस्प्रे ने कहा कि देखा जाए तो ओमेगा और ऑस्प्रे के अब तक हुए 2 मैचेस उनके लिए काफी जबरदस्त मैचेस है और इन मैचेस से ऑस्प्रे कुछ भी अलग नहीं लेना चाहते, इसलिए फिलहाल में ऑस्प्रे ओमेगा को पीछे छोड़कर अब आगे IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लेवल ऊपर करने के लिए देखने वाले हैं। और एक तरीके से ऑस्प्रे ने ओमेगा का चैप्टर पीछे छोड़ दिया है, जो बातें ऑस्प्रे ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही। पर गाइज हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि केनी ओमेगा डायनामाइट शोज पर आने वाले अपने वीडियो पैकेजेस के अंदर कह रहे हैं कि ओमेगा और ऑस्प्रे की स्टोरी अब तक अधूरी है, जिससे ऑस्प्रे तो रीमैच के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन गाइज लग रहा है कि ओमेगा एक रीमैच चाहते हैं और मुझे लगता है कि फैंस भी एक रीमैच चाहेंगे ही, क्योंकि अब तक इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में 2 मैचेस हुए हैं जहां पर दोनों ने ही एक एक मैच जीता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि क्यों ना इन दोनों के बीच में ग्रज मैच हो जाए जहां पर 3 मैचेस की सीरीज के अंदर फाइनली पता चल जाएगा कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है। और गाइज मैं तो चाहूंगा कि इनका थर्ड मैच AEW के अपकमिंग सबसे बड़े पेपर व्यू यानी कि ऑल इन के अंदर हो, क्योंकि एक तरफ विल ऑस्प्रे ने केनी ओमेगा के होम टाउन के अंदर जाकर ओमेगा को हराया है, तो मैं यहां पर चाहता हूं कि ओमेगा ऑल इन पेपर व्यू पर ऑस्प्रे के होम टाउन के अंदर जाकर क्यों ना ऑस्प्रे को हरा दे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ऑल इन पेपर व्यू पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक रीमैच देखना चाहते हैं या नहीं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?